चलिए एक और ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राजधानी रांची धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। डीसी छवि रंजन ने की है यह घोषणा। तय मानकों के अनुसार हो सकेगी तंबाकू पदार्थों की बिक्री। कोटपा 2013 कानून का उल्लंघन करने पर होगी नियम संगत कार्रवाई। जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। तो कोटपा 2013 कानून का उल्लंघन करने पर नियम संगत कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राजधानी रांची धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दे आगे कि यह घोषणा डीसी छवि रंजन ने की है। तय मानकों के अनुसार हो सकेगी तंबाकू पदार्थों की बिक्री। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे अपने सहयोगी इमरान का। इमरान, जानकारी आपसे चाहेंगे। जिस तरह से रांची, राजधानी रांची धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है और तय मानकों के अनुसार ही तंबाकू पदार्थों की बिक्री हो सकेगी और जो कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर नियम संगत कार्रवाई होगी, जानकारी चाहेंगे। देखो बिल्कुल, आज रांची समाहरणालय परिसर में महत्वपूर्ण बैठक थी जिसकी अध्यक्षता रांची के डीसी छवि रंजन कर रहे थे। राजधानी रांची को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। इसके तहत जो जिले भर में वैसे लोग जो कि सार्वजनिक स्थल सहित अन्य जगहों पर लगातार जो धूम्रपान अनसे पान का सेवन करते हैं, इन इलाकों में विशेष स्पेशल ड्राइव चला करके तय मानकों के अनुसार और गाइडलाइन के अनुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पूर्व में भी जिस तरह से देखा गया था कि कई बंदिशें लगने के बावजूद कई जगहों पर लगातार जो थे वो सिगरेट पीते हुए लोग दिखाई दे रहे थे, गुटखा खाते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया था और इसी के तहत आज विशेष जब बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में डीसी के अलावे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। जब राज्य भर में जब गुटखे का बैन था और जैसे में तंबाकू का सेवन पर प्रतिबंध है, तो इस वजह से आज ये महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसमें इस तरह का निर्णय, इसके साथ साथ तय मानकों के साथ तंबाकू पदार्थों की बिक्री होगी, इस पर जानकारी चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, जो मानक तय किए गए हैं जिस तरह से गुटखा को बैन किया गया, ना ही यहाँ पर आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थल और हाईकोर्ट और तो वैसे शैक्षणिक संस्थान के अगल बगल में जो दूरियां हैं वो तय की गई है कि 100 मीटर 500 मीटर से पहले के अंतराल में किसी भी तरह की बिक्री और खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इन तमाम जगहों पर स्पेशल ड्राइव चला करके टास्क फोर्स का इस तरह से कहे तो गठन करने के बाद इन तमाम जगहों पर जो वैसे दुकान जहां पे बेचे जा रहे थे इन पर चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगा। जरूरत पड़े तो फाइन और उससे भी अगर अधिक नियमों की अनदेखी की गई तो एफ आई आर दर्ज भी की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर थे और तमाम जानकारी दे रहे थे।